जय महाकाल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। जी हां, आज का जो मेरा वीडियो है SSB कांस्टेबल ट्रेड्समैन ड्राइवर। जी हां, आप लोग के फिजिकल यहां पे आप लोग के स्टार्ट हो रहे हैं। इससे पहले मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, बहुत ज्यादा स्टूडेंट परेशान है। जी हां, आप लोग को पता होना चाहिए फिजिकल होने में काफी समय यहाँ पे आप लोग का लग चुका है। 2020 में आप लोग की रिक्रूटमेंट आई थी, लेकिन जो आप लोग का प्रिंट आउट निकला था उस पर 2018 लिखा हुआ था। अब स्टूडेंट परेशान है, सर ये 2018 वाली वैकेंसी है, 2020 वाली वैकेंसी है या फिर कोई नई वैकेंसी है? तो देखिए, मैं आप लोग को बता दूं, ये वैकेंसी 2018 की है, लेकिन इसको निकाला गया 2020 में और आप लोग के फिजिकल हो रहे हैं 2022-23 में। जी हाँ, तो ये वैकेंसी 2018 वाली ही है। 2020 में आप लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया था, जो भी आप लोगों ने प्रिंट आउट निकाला था उसमें 2018 आप लोग का लिखा आया होगा, इस वजह से स्टूडेंट परेशान है। तो परेशान मत होइए, 2020 में जो आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किए थे वही वैकेंसी है। 1522 टोटल वैकेंसी थी, जिसमें कि आप लोग की ट्रेड्समैन की कई पोस्ट थी, कुक, स्वीपर, माली, वाशरमैन, वाटर कैरियर, बार, इसके अलावा वेटनरी की वैकेंसी थी और ड्राइवर की भी आप लोग की वैकेंसी थी। ड्राइवर वालों के फिजिकल लिए जा चुके हैं 2022 में ही, और इसके अलावा वेटनरी और कुछ ट्रेडों के फिजिकल अभी स्टार्ट हो चुके हैं। कुक, स्वीपर और वाटर कैरियर वालों के फिजिकल अभी भी स्टार्ट नहीं हुए थे, लेकिन बहुत ही अच्छी न्यूज आप लोग की निकल के आ रही है कि आप लोगों के भी फिजिकल यहां पे स्टार्ट हो रहे हैं 13 फरवरी 2023 से। तो अभी आप लोग क्लियर हो चुके होंगे वैकेंसी कौन सी है और किसके फिजिकल चल रहे हैं। तो अभी जो है कुक, स्वीपर, वाटर कैरियर वालों के एडमिट कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन एडमिट कार्ड डाउनलोड होने में प्रॉब्लम आ रही है। जी हाँ, प्रॉब्लम इस वजह से आ रही है क्योंकि फॉरगेट रजिस्ट्रेशन, फॉरगेट आईडी वगैरह नहीं हो पा रहा है। यदि आप लोग के पास रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है तो आप लोग इजीली अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फॉरगेट होने में अभी भी प्रॉब्लम हो रही है। वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम है, एरर है। जब तक ये एरर दूर नहीं होगी, विभाग के द्वारा इसे दूर नहीं की जाएगी, तब तक आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। आप लोग को वेट करना होगा और एडमिट कार्ड सभी के डाउनलोड होंगे। थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए, मेल चेक कीजिए, अपना मोबाइल का नंबर चेक कीजिए, मोबाइल में जो मैसेज होता है इनबॉक्स चेक कीजिए। यदि आप लोगों ने फॉर्मेट कभी नहीं मारा है फोन को, तो आपका मैसेज जरूर पड़ा होगा एसएसबी का 2020 में, जो आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था, एसएसबी लिख के सर्च कीजिए, आप लोग का यदि वो मैसेज मिल जाता है मेल पे या मोबाइल पे, तो आप लोग का इजिली काम हो जाएगा, क्योंकि उस मैसेज में आप लोग को पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। यदि नहीं मिल रहा तो आप लोग को वेट करना होगा जब तक कि आपकी वेबसाइट सही नहीं होती। चलिए, एडमिट कार्ड बच्चों ने डाउनलोड कर लिए या फिर डाउनलोड करने वाले। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर, डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके जाने हैं इसकी जानकारी दे दीजिए। ये काफी कैंडिडेट हैं जो कि जिन्होंने कि कुक, स्वीपर और वाटर कैरियर के लिए अप्लाई किया। जी हाँ, काफी ज्यादा कैंडिडेट हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेके जाने हैं, डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं आप लोग को बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक दिया है भर्ती देखो पर जाइए, वहां पे आप लोग को फिजिकल से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड A to Z जानकारी दी है। सभी प्रकार के लिंक आप लोग को दिए गए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग पूरा ऊपर से नीचे तक रीड कीजिए, A to Z इंफॉर्मेशन आप लोग को मिल जाएगी। लेकिन ओरल में मैं आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर दूं, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है वेटनरी वगैरह के अभी फिजिकल यहाँ पे चल रहे हैं और जानकारी मैंने आप लोग को प्रोवाइड कराई है कई सेंटरों से। तो क्या जानकारी निकल के आ रही है? जानकारी यही निकल के आ रही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो ही नहीं रहे हैं। जी हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके हो ही नहीं रहे हैं, सिर्फ आप लोग का फिजिकल ही चल रहा है। डॉक्यूमेंट्स वही देके जा रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप लोग को हाइट चेस्ट वगैरह में छूट चाहिए, वही डॉक्यूमेंट सिर्फ आप लोग के देखे जा रहे हैं। तो देखिए, मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे आप लोगों ने जो प्रिंट आउट लिया है, ठीक है, PDF सेव किया है, उसका आप लोग प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, यानी कि एडमिट कार्ड जरूरी है। एडमिट कार्ड को लेकर के भी स्टूडेंट परेशान है, तो सर क्या कलर प्रिंट आउट निकाल लें? जी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कलर निकलवाइए, आप ब्लैक एंड व्हाइट निकलवा लीजिए, नॉर्मल प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, बस एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट आप लोग निकलवा लेंगे। इसके अलावा आप लोग को आईडी प्रूफ चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आईडी प्रूफ के अंतर्गत यदि आप लोग के पास आधार कार्ड है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग के लिए। जी हाँ, फोटो युक्त पहचान पत्र होना चाहिए यहाँ पे आप लोगों के पास। कार्ड नहीं है तो आप लोग वोटर आईडी कार्ड ले सकते हैं, पैन कार्ड ले सकते हैं, ड्राइविंग ले सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप लोग का स्कूल का आईडी होता है।
तो आप लोग दो फोटो युक्त पहचान पत्र आप लोग जरूर रख लेंगे, ठीक है। एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ आप लोग को चाहिए, इसके अलावा कुछ भी सेंटर पे आप लोग को नहीं लग रहा है, फोटो आप लोग ले लेंगे। जी हाँ, दो फोटोग्राफ आप लोग अपने पर्स में जरूर 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 रख लेंगे। इसके अलावा यदि आप लोग हाइट टेस्ट में छूट लेते हैं, यानी कि एसटी कैंडिडेट हैं, तो आप लोग को अपना सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, एसटी का जो भी आप लोग का सर्टिफिकेट होता है। इसके अलावा यदि आप लोग गढ़वाली कुमाऊं डोगरा मराठा नॉर्थ ईस्ट से जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख इन जगहों से आप लोग आते हैं, आप लोग का जो है हाइट टेस्ट का जो सर्टिफिकेट बना हुआ है उसके रिलीफ के लिए वो सर्टिफिकेट आप लोग को चाहिए होगा, क्योंकि वहां पे आप लोग को दिखाना होगा तभी आप लोग को हाइट और चेस्ट में यहाँ पे छूट मिलेगी। तो यही नॉर्मल यही चीजें चाहिए और कुछ यहाँ पे नहीं देखा जा रहा है सेंटरों पर। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग हाई स्कूल का सर्टिफिकेट भी ले लेंगे। जी हाँ, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट भी आप लोग ले लेंगे। यदि किसी प्रकार से नाम में कुछ प्रॉब्लम होती है या कुछ और दिक्कत आ जाती है तो आप लोग इस चीज़ को रख लेंगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। हाई स्कूल का सर्टिफिकेट सब भी स्टूडेंट रख लेंगे, किसी भी सेंटर पर आप लोग जा रहे हैं। एडमिट कार्ड ले लेंगे और आई डी प्रूफ आप लोग ले लेंगे, चार फोटो आप लोग ले लेंगे, दो या तीन फोटो आप लोग जरूर ले लेंगे, ठीक है। सिर्फ यही चीजें लेके जानी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं है, किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके नहीं जाना। एक्सपीरियंस को लेकर के आप लोग टेंशन में ना रहें, सर कौन सा एक्सपीरियंस, कुछ भी एक्सपीरियंस लेके नहीं जाना है, ना ही कुक का एक्सपीरियंस, ना ही स्वीपर का एक्सपीरियंस, ना ही वाटर कैरियर का एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस नहीं। डॉक्यूमेंट में मैंने आप लोग को बता दिया है, आईडी प्रूफ और एडमिट कार्ड आप लोग का हो गया, हाई स्कूल के सर्टिफिकेट आप लोग ले लेंगे, एसटी से हैं तो एसटी का सर्टिफिकेट ले लेंगे, डोगरा वगैरह हैं तो आप लोग उसका सर्टिफिकेट ले लेंगे, बस नॉर्मल यही चीजें हैं और कुछ नहीं है। वीडियोस देखते रहिएगा, आप लोगों को जानकारी मिलती रहेगी सभी सेंटरों पे क्या चल रहा है क्या चल रहा है क्या चल रहा है। तो सर्टिफिकेट को लेकर के आप लोग अभी टेंशन में नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे। एडमिट कार्ड को निकालिए, नहीं निकला है तो बिल्कुल इसके अलावा फिजिकल की तैयारी में आप लोग लग जाइए। फिजिकल की जानकारी आप लोग के पास होनी चाहिए होनी चाहिए होनी चाहिए। जी हाँ, बहुत ही लंबे समय के बाद आप लोग को ये दिन देखने को मिल रहा है और जानकारी मैंने आप लोग को पहले से ही दे रखी है। यदि आप लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल यहां पे 4.8 किलोमीटर की रनिंग है मेल कैंडिडेट, यही आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 4.8 किलोमीटर 24 मिनट, इसे यदि आप लोगों ने क्लियर कर लिया तो समझिए आपके फिजिकल यहां पे क्लियर हो गए। जी हाँ, यदि आप लोग फीमेल कैंडिडेट हैं तो 2.8 किलोमीटर आप लोग के 18 मिनट का टाइम मिलने वाला, तो ये रनिंग आप लोग को करनी है क्योंकि 13 फरवरी 2023 से आप लोग के फिजिकल यहाँ पे स्टार्ट हैं और स्टार्टिंग में जिनके फिजिकल हैं उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है यदि तैयारी नहीं करी। लेकिन मैं आप लोग को बता दूँ, सब कुछ पॉसिबल है। जी हाँ, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ आप लोग के हाथ में है। फिर चाहे आप लोग का 13 फरवरी 2023 को यहाँ पे फिजिकल हो, आप लोगों ने रनिंग अभी स्टार्ट ना करी हो, कंप्लीट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, सब कुछ आप लोग के हाथ में और सब कुछ यहाँ पे पॉसिबल है। तो रनिंग आप लोग की इंपॉर्टेंट है, रनिंग की तैयारी कीजिए। और हाइट में आप लोगों को पता है कि बेनिफिट यहाँ पे आप लोगों को मिलता है, यदि आप लोग जनरल ओबीसी एससी कैंडिडेट है तो 167.5 आप लोग की हाइट होती है, हाइट में कमी होगी तो आप लोग जाने से कोई फायदा नहीं है, 167.5 आप लोग की मिनिमम होनी ही चाहिए। फीमेल कैंडिडेट है तो 157 सेंटीमीटर आप लोग की हाइट होनी चाहिए, चेस्ट मेल कैंडिडेट 78.5 सेंटीमीटर का फुलाव मिनिमम आप लोग का आना चाहिए। इसी प्रकार से यदि आप लोग एसटी कैंडिडेट हैं तो 165.5 मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और चेस्ट मेल कैंडिडेट 76.5 सेंटीमीटर का फुलाव आप लोग का यहां पे देखा जाता है। इसी प्रकार से यदि आप लोग गढ़वाली कुमाऊं डोगरा मराठा नॉर्थ ईस्ट स्टेट जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख इन जगहों से आते हैं, मेल कैंडिडेट है यहाँ पे तो 165 सेंटीमीटर आप लोग की हाइट होनी चाहिए, फीमेल कैंडिडेट 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, चेस्ट मेल कैंडिडेट 78.5 सेंटीमीटर का फुलाव देखा जाएगा। बस यही है यही है यही है। और बाकी आप लोग वीडियो देखते रहिए, ए टू जेड जानकारी आप लोग को मिलती रहेगी मिलती रहेगी मिलती रहेगी। तो बेस्ट ऑफ लक। जी हाँ, तैयारी कीजिए, सिलेक्शन लेना है लेना है लेना है, काफी लंबे के समय के बाद आप लोग को ये दिन देखने को मिल रहा है। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो के टाइम पर। जाने से पहले आप लोगों से एक होंगे, चैनल पर सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए, बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग।